हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं बाल्डनेस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड, जिनको भी बाल्डनेस की प्रॉब्लम है और फ्रेंड ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं यहाँ पर बाल्डनेस के लिए रेमेडी बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाल्डनेस की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमें यहाँ पर चाहिए मीडियम साइज़ का ऑनियन, दो गार्लिक और जिंजर का टुकड़ा। इन सबको हमें अच्छे से ग्रेट करना है ताकि हम इस सब का जूस निकालेंगे फ्रेंड। तो यहाँ हम इसको मिक्सी में नहीं चलाते हुए अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। आपको गार्लिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ या आप एक या दो कली यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और अदरक भी आप इतना ही यूज़ कीजिए। इसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट बाद हम इसको छान लेंगे। आप यहाँ पर छन्नी या किसी भी कपड़े से छान लीजिए। मैं यहाँ पर एक दुपट्टा ले रही हूँ हम इसमें, पर फ्रेंड कपड़ा जो पतला होना चाहिए ताकि रस अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमें रखना है, स्क्वीज करते हुए अच्छे से हमें निचो लेना है इनको। उसी तरह से हमें इसको अच्छे से रस निकाल लेना है, बिल्कुल इतना रस निकालना है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए ऐसा। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी फ्रेंड। कोकोनट ऑयल से क्या होगा कि हमारे बालों में नरिशमेंट मिलेगी और हमें ऑनियन, और यहाँ पर हमें ले रहे हूँ कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल भी अच्छा होता है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून में यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और एक विटामिन कैप्सूल लूँगी, एक विटामिन ई कैप्सूल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे से ये वर्क करेगा। तो रेडी हमारी रेमेडी, चलिए हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 टाइप की कॉम लेनी है। कॉम कुछ इस तरह की होनी चाहिए, एक कॉम होनी चाहिए और एक कॉम जो है बिल्कुल बारीक। जितना बारीक आप लोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो फ्रेंड ये रेमेडी यूज़ करने से पहले हमें इसको अच्छे से कॉम करना है ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके और जो भी हम रेमेडी यूज़ करें वो अच्छे से हमारे बालों पर इफ़ेक्ट करें। तो हमें इस तरह से रस में डीप करके, ये हमने जूस रेडी किया है, इस तरह से इसको डीप करके कॉम को हमें अच्छे से बालों पर अप्लाई करना है फ्रेंड। आप चाहें तो यहाँ पर पहले रस अच्छे से इसका रस लगा लीजिए, फिर आप यहाँ पर कॉम कर लीजिए। आपको कॉम 10 मिनट तक करना है। ये रेमेडी लगने के बाद अच्छे से आप मालिश करेंगे और यहाँ पर आप फुल नाइट के लिए इसको छोड़ देना है। ना ही इसको आप 2 घंटे बाद वॉश करेंगे, ना ही आप इसको 30 मिनट बाद वॉश करेंगे। आप सीधा मॉर्निंग में वॉश करेंगे, उसके बाद शैम्पू के साथ में आपको ये वॉश करना है। और 10 दिन का मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आप बहुत ही अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे फ्रेंड्स आप। और इसी के साथ बाल्डनेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे फ्रेंड। आपके बाल आगे से उड़ गए हैं तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है फ्रेंड। 10 डेज आप इसको यूज़ कीजिए, इसका फीडबैक मेरे साथ में शेयर कीजिए। इससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और फ्रेंड इसको लेंथ में भी अच्छे से लगाना है आपको, एंड में भी अच्छे से लगाना है। ये 2 मुँह बालों पर भी अच्छे से वर्क करेगा और अच्छे से मसाज करनी है और फुल नाइट के लिए इसको छोड़ना है। 2nd डे आपको शैम्पू करना है। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। और फ्रेंड बाल्डनेस के लिए बेस्ट पैक है फ्रेंड, आप इसको यूज़ कीजिए। आपको 10 डेज में ही बेस्ट रिजल्ट मिलने लग जाएंगे और 10 डेज बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसका फीडबैक मेरे साथ में शेयर करना कि आपको क्या क्या रिज़ल्ट मिला है और कैसे आपको रिज़ल्ट मिला है फ्रेंड। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, मैंने खुद ही अपने बालों पर ट्राई की हुई है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।